नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अब तक की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत और दूसरा घायल बताया जा रहा है। मामला रोहतास के तिलोथू थाना क्षेत्र का है, जहां मीरसराय गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग NH 2C पर रविवार को अहले सुबह 3 बजे बाइक और कार की टक्कर में 30 वर्षीय सौरभ यादव उर्फ नागराज नामक एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुनपुन कुमार नामक युवक को गंभीर स्थिति में नारायण मेडिकल कॉलेज में जमुहार में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक मीरसराय गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कार चला रहे ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण यह घटना हुई है। गांव वालों ने बताया कि मृतक और घायल युवक दोनों अपने अपने घर के इकलौते पुत्र बताए जा रहे हैं। वहीं दुर्घटना से ग्रसित कार तिलोथू के एक व्यवसायी की बताई जा रही है। जमीनी विवाद में मारपीट, महिला समेत 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मामला रोहतास के राजपुर थाना क्षेत्र के कुसुमरा गांव का बताया जा रहा है, जहां जमीन अतिक्रमण विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला समेत 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। खून से लथपथ दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध थाना पहुँच शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए CHC भेजा, जहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम रेफर कर दिया है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि मारपीट में जख्मी एक पक्ष के कुसुमरा गांव निवासी राहुल कुमार पांडे, कृष्णा पांडे और दूसरे पक्ष के जनार्दन पांडे, लक्ष्मी नारायण पांडे, रंभा देवी, बद्री नारायण पांडे को गंभीर चोटें आई है और इनमें से 2 लोगों का हाथ टूटा हुआ है। सभी लोग भी जख्मी हुए हैं। सभी लोगों को बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लगातार सासाराम नगर आयुक्त के द्वारा मोहल्ले में सफाई को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है और सफाई की कमी पाने पर NGO के ऊपर कार्रवाई भी किया जा रहा है और फाइन भी किया जा रहा है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने निगम क्षेत्र के कुछ मोहल्लों का निरीक्षण किया। हालांकि उनके आने की सूचना पहले से ही सफाई एजेंसी को मिल चुका था और आने से पहले साफ सफाई बेहतर किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा की गई शिकायत से नगर आयुक्त ने सफाई एजेंसी को कार लगाते हुए कहा कि अगर किसी तरह की लापरवाही मिली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और कार्रवाई भी कर सकता हूं। नगर आयुक्त ने शहरी क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए आपका योगदान होना चाहिए, तब जाकर शहर सुंदर होगा। स्कूली छात्रों को लेकर तेंदुआ गांव में दो पक्षों में जमकर हुई गोलीबारी मामला रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां तेंदुआ गांव में जमकर ईंट पत्थर चलने के साथ ही गोलीबारी हुई। गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि 2 छात्रों में आपसी विवाद को लेकर यह मामला बढ़ा, वहीं एक व्यक्ति पत्थर से घायल हुआ है, जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। दोनों पक्षों से मामला दर्ज कराया गया है। एक पक्ष से सविता देवी ने 28 लोगों को आरोपी बनाया है, जबकि दूसरे पक्ष से विक्रमा सिंह ने 26 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।